हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। आज की क्लास में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है एंड किस नंबर के बाद में कौन सा नंबर आ सकता है। दैट इज़ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिटवीन। बिटवीन में दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है उसके बारे में जानेंगे। उसके लिए बेसिकली आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको काउंटिंग आनी चाहिए। 1 to 9 का कॉन्सेप्ट लेके हम चल रहे हैं अभी। यहाँ पे ये आपको 1 to 4 तक दिख रहा है स्क्रीन पर। तो आपको क्या करना है, ये इन डॉटेड लाइंस को कंप्लीट करना है और इन बॉक्सेस में ऐसे वन, इन सारे बॉक्स में आपको 1 1 लिखना है। कंटिन्यू, ये 1 करके इसको पूरे दोनों लाइंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 है, सेम आपको 2 के लिए करना है और इधर भी ये आपको 2 के लिए पूरा करना है। फिर ऐसे 3 4 ऐसे आप कंटिन्यू करते जाओगे। 1 2 3 4, नेक्स्ट आएगा आपका 5, 5 के बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10। 10 का अभी हम नहीं करेंगे, हम अभी बस 9 तक करेंगे, ठीक है। ये आपको 6 इन दोनों लाइंस में कंप्लीट करना है। 6 6 इधर भी लिखना है पूरे में, यहाँ पे भी लिखना है एंड 7 इधर इधर और 8 इस पूरी की पूरी लाइन में और इधर वाली लाइन में। गॉट इट? ये होता है आपका 8 तक काउंटिंग। इसके बाद आपका आएगा 9। तो आप इसको करोगे, इसके बाद आप ये मिसिंग नंबर्स चेक कर सकते हो कि मिसिंग नंबर्स इसमें क्या होगा। देखो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, राइट द मिसिंग नंबर्स। अभी आपको पता है 1 to 9 तक आपको काउंटिंग आती है। 1 1 के बाद क्या आता है, 2 2 के बाद 3, देन 4 5 6 7, नेक्स्ट 8 9। ओके, ये हो जाएंगे आपके नंबर्स। अगर आपको ये नंबर्स आते हैं, अगर आपको काउंटिंग आती है, तो उसके बाद में आप व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिटवीन के कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर का कॉन्सेप्ट। व्हाट कम्स बिफोर और आफ्टर से पहले हम एक चीज़ देख सकते हैं कि काउंट एंड राइट द नंबर। अभी आपने 1 to 9 तक काउंटिंग सीखी है, इसमें आपको क्या करना है, काउंट करना है पिक्चर्स को और आपको नंबर लिखना है इस बॉक्स में। सो काउंट काउंट द बैलून्स, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल बैलून्स आर 6, सो वी विल राइट हेयर 6। नेक्स्ट 1 basket, सो वी विल राइट हेयर 1 1 2 3 4। टोटल कैंडल्स 4, सो वी विल राइट हेयर 4। देयर आर 4 books, सो वी विल राइट हेयर 4। सो इन दिस यू हैव टू जस्ट काउंट द थिंग्स, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड देन राइट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। नेक्स्ट इज, तो अब हम चलते हैं व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन पे और व्हाट कम्स आफ्टर पे। पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले, दैट मीन्स किसी भी चीज़ के पहले क्या आता है इसमें आपको वो बताना होता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, 7। जब आप काउंटिंग करते हो तो 7 से जस्ट पहले क्या आता है, व्हाट कम्स बिफोर 7, 1 2 3 4 5 6, देन 7। तो उससे 7 से पहले क्या आ रहा है, 6, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 6 देन 7। व्हाट कम्स बिफोर 4, 4 से पहले क्या आता है, 3। नेक्स्ट व्हाट कम्स बिफोर 8, 8 से पहले क्या आएगा, 7। एंड व्हाट कम्स बिफोर 2, दैट इज 1। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है बाद में, दैट मीन्स किसी भी नंबर के जस्ट बाद में कौन सा नंबर होता है यहाँ पे आपको वो बताना होता है। 2 के बाद क्या आता है, दैट मीन्स व्हाट कम्स आफ्टर 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3। देन व्हाट कम्स आफ्टर 7, 8। व्हाट कम्स आफ्टर 4, 5। व्हाट कम्स आफ्टर 5, 6। ओके, बिफोर और आफ्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसके बाद आता है आपका व्हाट कम्स बिटवीन। बिटवीन मीन्स होता है बीच में, दो नंबर्स जैसे आपको दिए हुए हैं ये देखिए, तो इसमें आपको बताना है कि इनके बीच, यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट कम्स बिटवीन, व्हाट कम्स बिटवीन 2 नंबर्स, 5 6 7। 5 के बाद क्या आता है, 6
सेवन, सेवन सेवन के बाद एट एंड नेक्स्ट नाइन. सो नेक्स्ट व्हाट कम्स आफ्टर थ्री एंड व्हाट कम्स बिफोर फाइव. थ्री देन फोर फाइव. ओके नेक्स्ट फोर, फोर के बाद क्या आएगा फाइव. देन सिक्स, सिक्स सिक्स में सेवन एट एंड नेक्स्ट विल बी नाइन. यहाँ पे हम फिर से करेंगे व्हाट कम्स आफ्टर. राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर. ये नंबर आपको लिखने हैं जो इनके बाद आते हैं. सेवन, सेवन के बाद क्या आएगा एट. आफ्टर थ्री फोर. आफ्टर एट नाइन. आफ्टर वन टू. ओके तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे. इसके बाद आप व्हाट कम्स बिफोर कर सकते हो. आप जैसे अभी हमने पीछे नंबर्स के लिए भी बताया था व्हाट कम्स बिफोर फाइव. फाइव से पहले क्या आएगा फोर. नाइन से पहले एट. ठीक है अब ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद करके देखो. नेक्स्ट है आपका अब हम करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कि जीरो क्या होता है कैसे होता है मतलब कोई भी चीज़ जीरो जीरो होता क्या कैसे आता है जीरो. सो इन दिस पिक्चर एज यू कैन सी देयर आर फोर बॉल्स इन अ रो वन टू थ्री एंड फोर. देयर आर फोर बॉल्स इन अ रो. इफ वन बॉल इज टेकन अवे देन थ्री बॉल्स आर लेफ्ट इन अ रो. अगर एक बॉल इन चारों बॉलों में से हम ले जाएंगे हटा दें तो इसमें कितनी बचेंगी वन टू थ्री देन थ्री बॉल्स आर लेफ्ट. सो वी विल राइट हियर थ्री बॉल्स. इफ अगेन वन मोर बॉल इज टेकन अवे देन टू बॉल्स आर लेफ्ट इन द रो. अगर हम इन तीन बॉल्स में से एक और बॉल हटाएंगे रिमूव करेंगे देन हाउ मैनी बॉल्स आर लेफ्ट वन टू. टू बॉल्स आर लेफ्ट. देन अगेन वन मोर बॉल इज टेकन अवे देन वन बॉल इज लेफ्ट इन द रो. अगर हम यहाँ से एक और बॉल हटाएंगे तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी वन बॉल. स्टार्टिंग में हमारे पास फोर बॉल्स थी. ठीक है फोर में से एक बॉल हटाई देन थ्री बच रहे हैं. फिर थ्री में से फिर से एक और बॉल हटा दी तो हमारे पास दो बची हैं. देन वन में टू में से फिर अगेन एक और बॉल अगर हम रिमूव करते हैं देन हमारे पास कितनी बॉल बचेंगी वन बॉल. ठीक है ये वन बॉल बच रहे हैं. अब इस वन बॉल में से भी इसने क्या किया है अब ये एक बॉल भी कोई लेके चला जाएगा. वन बॉल अगेन टेकन अवे. नो बॉल इज लेफ्ट इन द रो. अब अगर ये बॉल भी कोई ले गया तो क्या आपके पास कुछ बचेगा नो. सो नो बॉल लेफ्ट इन द रो. सो दैट मीन्स नो बॉल मीन्स जीरो बॉल्स. अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स जीरो मीन्स नथिंग. जीरो अगर किसी ने कहा है जैसे आपने इसमें देखा चार बॉल थी चार में से तीन बची फिर देन एक और बॉल गई फिर देन दो फिर एक और गई एक. अब एक भी कोई ले गया तो अब आपके पास कितनी रह जाएंगी जीरो. दैट मीन्स नो बॉल्स मीन्स जीरो बॉल्स. जीरो इज डिनोटेड एज जीरो. जीरो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं. जीरो को ऐसे लिखा जाता है जीरो मीन्स नथिंग. जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं. ठीक है इसके बाद अब आप यहाँ पे इस पजल को सॉल्व करेंगे. यू हैव टू सी दीज पिक्चर्स एंड राइट द नंबर्स. देयर आर थ्री बर्ड्स ऑन द ब्रांच. यहाँ पे तीन बर्ड्स हैं इस ब्रांच पे. सो वी विल राइट हियर थ्री. थ्री बर्ड्स. इफ वन बर्ड फ्लू अवे. एक बर्ड अगर यहाँ से उड़ जाती है देन हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ब्रांच. इस ब्रांच पे कितनी बर्ड्स जो हैं वो रह जाएंगी. कितनी दो बर्ड्स बचेंगी. सो वी विल राइट हियर टू. इफ अगेन वन बर्ड फ्ल्यू अवे. अगर दोबारा से एक बर्ड फ्ल्यू हो जाएगी दैट मीन्स उड़ जाएगी तो कितनी बर्ड्स बचेंगी वन. कितनी बर्ड बची वन. मतलब थ्री थे थ्री में से एक उड़ गई. ठीक है तो दो बची. फिर अगेन एक उड़ गई तो कितनी बच गई एक क्रॉस हो गई यहाँ पे. फिर एक. ठीक है अब इस वन में से भी ये बर्ड भी उड़ गई. देखो ये यहाँ पे उड़ रही है. फिर यहाँ पे क्या बचा कुछ भी नहीं बचा. एंड अभी बताया था जीरो मीन्स नथिंग. जब कुछ भी नहीं होता तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं जीरो से. ठीक है सो नाउ अब कितनी बर्ड्स हैं ब्रांच पे जीरो. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं. इसमें बैलून्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि किस तरीके से जीरो आएगा.
इफ यू विल सी इन दिस पिक्चर देयर आर फोर बैलून्स इन अ चाइल्ड हैंड. अब आप सोचो कि ये जो बच्चा है ये आप हो, ठीक है. अब इस बच्चे के हाथ में कितने बैलून्स हैं, इसका मतलब आपके हाथ में कितने बैलून्स हैं, फोर. 1 2 3 4. इफ यू विल काउंट देम देन देयर आर फोर बैलून्स, सो यू राइट हियर फोर. देन इन द नेक्स्ट वन बैलून फ्लू अवे, अगर एक बैलून उड़ जाता है देन 1 2 3, तो कितने बच जाएंगे, तीन बचेंगे, सो वी विल राइट हेयर थ्री. अब अगर इन तीन बैलून में से, इन थ्री बैलून्स में से अगेन एक जो बैलून है वो उस बच्चे के हाथ से छूट जाता है देन कितने बचते हैं, टू, सो वी विल राइट हेयर टू. एफ अगेन वन बैलून, फिर से क्या हो रहा है, एक बैलून आपको उड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो आप आपके पास कितने बच गए, वन. अब इस बच्चे के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अब आपके हाथ में जो वो एक बैलून भी रह गया था वो भी कहीं चला गया, मतलब वो भी छूट गया आपके हाथ से, तो अब आपके पास कितने रह जाएंगे, ज़ीरो. सो पहले क्या था, फोर थे, फोर में से एक उड़ गया देन थ्री, थ्री में से फिर अगेन एक उड़ जाएगा देन टू, टू में से एक और फिर से उड़ेगा तो बचेगा वो वन, देन वो भी अगर आपके पास से चला जाता है या फिर फूट जाता है तो वो कितने हो जाएंगे, ज़ीरो. दैट मीन्स नाउ योर हैंड्स आर एम्प्टी, अब आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, ठीक है. दैट मीन्स नाउ देयर हैव नो बैलून इन योर हैंड, दैट इज ज़ीरो. सो आई होप आपको अब ये व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन, व्हाट कम्स आफ्टर, ये तीनों चीज़ें, पहले आपने स्टार्टिंग में क्या क्या काउंटिंग सीखी, काउंटिंग सीखने के बाद फिर आपने नंबर्स देखे कि क्या किस नंबर के बाद में क्या आता है जो था आपका आफ्टर, फिर नेक्स्ट आपने बिफोर में देखा, बिफोर में क्या था, किसी नंबर से पहले क्या नंबर आता है उसको आप कैसे लिखते हैं. नेक्स्ट व्हाट कम्स बिटवीन, दैट मीन्स दो नंबर्स के बीच में एक नंबर अगर आपको लाना है तो वो आप कैसे ला सकते हैं. उसके बाद आपने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो में क्या है, अगर आपके पास चार चीज़ें थीं, फॉर एग्ज़ाम्पल चार में से एक किसी ने ले ली देन आपके पास तीन चीज़ें बचती हैं, थ्री में से अगेन किसी ने एक ले ली देन दो बचेंगी, फिर दो में से भी अगेन अगर कोई ले लेता है एक ऑब्जेक्ट देन आपके पास कोई वो एक चीज़ बच जाती है, फिर देन उस एक को भी कोई ले लिया या फिर कहीं पे आपकी वो खो गई कुछ भी, तो अब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, दैट मीन्स ज़ीरो. ये होता है आपका ज़ीरो का कॉन्सेप्ट. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.